तो काइनेमेटिक्स का एच सी वर्मा बुक का हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहता है, देखो, द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड्स एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट पे देखूँ तो यहाँ तक मेरे पास 8 सेकंड हो जाएंगे, इधर टाइम दे रखा है हमें सेकंड में। तो स्पीड टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, या कर्व भी कह सकते हो। तो इसके अंडर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का एरिया आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 20। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा हमारे पास 80 मीटर डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन अगर निकालें तो वो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो, स्लोप अगर मैं वीटी ग्राफ का निकालता हूँ, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये 20 है, यह 0 पॉइंट है और ये यहाँ से यहाँ तक, तो स्लोप कितना हो जाएगा 20 वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा ये 8, और 20/8 करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 काइनेमेटिक्स का एच सी वर्मा का। तो क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट टी इक्वल टू 0 एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजिशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसका पोजिशन टाइम ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो इसमें देखो तीन केसेस बनेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में गया है। तो पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, तो फर्स्ट केस में मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इनिशियली u इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 5 फिट पर सेकेंड स्क्वेयर और टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो, एस इज इक्वल टू यू इन टू टी की वैल्यू 10 है, उसके बाद 1/2 एक्सेलरेशन 5 है, 10 का स्क्वेयर करेंगे तो 10 इंटू 10 लिख देंगे, 2 से 5 बार कटेगा, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया बच्चों 250। ओके, अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेकंड केस यहाँ की। अब देखो, एक्सेलरेशन यहाँ पर मेरे पास 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले तो मुझे वो कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं, तो u तो कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 5 है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था 5 था, और इनटू टाइम कितना लगा 10। तो यहाँ की जो वेलोसिटी थी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, वो हमें मिल गई बच्चों 50 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस निकालूं, जिसको मैं s2 कहूँगा, पहले वाले को मैंने s1 बोल दिया, तो कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम यानी 50 इनटू टाइम कितना लगा 10 से 20 पहुँचने में, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 50 इनटू 10 जब करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास नेक्स्ट डिस्टेंस आ जाएगा, एक्चुअल में फीट में डिस्टेंस है, तो इसको हम फीट में निकाल सकते हैं। तो कोई मिस्टेक तो नहीं की है, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 था, ये हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। नाउ अगर मैं थर्ड केस ले लेता हूँ और s3 डिस्टेंस निकालता हूँ, तो फिर से लगा देता हूँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखो, यू मेरे पास जीरो, सॉरी यू जीरो नहीं है, अब यू कितना आया है, जो ये वाली वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, वही वेलोसिटी तो रहेगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी रहेगी मेरे पास 50, तो वेलोसिटी हो जाएगी 50 इंटू 10 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 5 है इस बार, और टाइम 10 सेकेंड ही है, तो 10 इंटू 10 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंटू 5 25, 250, और ये 500 आएगा,
तो 500 माइनस के 250, यानी फिर से कितना आ गया, 250 आ गया। तो पहले 10 सेकंड में वो 250 चला, दूसरे 10 सेकंड में वो 500 चला, और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में वो 250 चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 250 प्लस टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 250 प्लस 500 प्लस 250, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 1000 फिट। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा कि पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। चलो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो पहले 10 सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक पहले 10 सेकंड है, तो पहले 10 सेकंड में वो कितना चला, 250। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक वो 250 फिट चला, ठीक है। अब ये इस टाइप से हमारा बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन पोजीशन में। नेक्स्ट मैं 10 से 20 की बात करूँ तो कितना चला, टोटल 500 चला, तो ये टोटल 250 और ऐड कर देंगे तो 750 हो जाएगा, यहाँ से हम दोनों को ऐड करेंगे तो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 पे टोटल कितना चला, वो 1000 फिट तक पहुँचा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो पोजीशन है इसको हम 1000 लिख देंगे। तो डिस्टेंस को यहाँ लिख लेते हैं ये 1000। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया, फीट में है डिस्टेंस, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट पे पूछा था पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 8 HC वर्मा हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसके में से एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 से 10 सेकंड बताना है, और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओके, तो पहले हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसका निकालूं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, देखो फाइनल कितनी है यहाँ से यहाँ तक 8, और इनिशियल कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2। तो चेंज इन वेलोसिटी 8 माइनस 2 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, 10 हुआ, तो 6/10 यानी 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया निकल के। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 टू 10 सेकंड। तो देखो डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं, तो देखो इसके अंडर कितना एरिया आ रहा है, ये ट्रेपेजियम का एरिया बन रहा है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो फॉर्मूला लगा दो 1/2 सम ऑफ पैलर साइड्स, तो पैलर कौन है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पैलर साइड्स हैं ये। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 8 इंटू हाइट की बात करें तो ये हाइट हो जाएगी 10 यहाँ से यहाँ तक, तो 2 से 5 बार कटेगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 5 50 मीटर हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ गया। अब सी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा उतना ही रहेगा इस वाले केस में जितना डिस्टेंस है। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे कोई ग्राफ बनता तो उसको माइनस कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो डिस्टेंस भी हमारे पास जो है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी 50 मीटर। HC वर्मा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का हम डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्राफ हमें दे रखा है, क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड। तो 0 से 10 सेकंड देखो यहाँ पर होंगे, तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए जो इसके फर्स्ट पॉइंट में पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक देखो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, 100, तो 100 टाइम कितना लगा उसको, 10, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। वेरी इजी क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, कह रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट 2, 5, 8 and 12 सेकंड। तो पहले बात कर लेते हैं एट 2 सेकंड, तो 2 सेकंड कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, कॉन्स्टेंट है,
तो यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी 50/2.5 हम कर सकते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर जीरो लगाएंगे तो 20 यानी यहाँ पर वेलोसिटी आ गई 20 meter per second। ठीक है, इसी में अब हम बात कर लेते हैं एट 5 second। तो 5 second कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। उसके बाद 8 second की बात कर लेते हैं, देखो 8 second यहाँ कहीं होगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर से स्लोप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एट 8 second। तो 8 second पर अगर मैं वी एवरेज निकालूँ तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 100 - 50 50 एंड डिवाइड बाई टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का 2.5, तो फिर से कितना आ जाएगा 20 meter per second ही आ जाएगा जब इसको इससे हम कट करेंगे। फिर बात कर रहा है एट 12 second, तो एट 12 second कहाँ पर होगा, देखो यहाँ होगा, तो फिर से ये स्लोप निकालेंगे लेकिन स्लोप क्या आएगा इस बार नेगेटिव आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है 100 100 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा 5, फिर से कितना आएगा 20 लेकिन माइनस का, क्योंकि स्लोप क्या है इसका माइनस का है। क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कहता है डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 40 second, तो 40 second यहाँ तक हुए हैं तो डिस्टेंस हमें निकालना है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट है वो भी हम निकाल रहे हैं। तो देखो एक तो ये ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, एक ये ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस सेकंड। तो पहले वाले का एरिया निकाल लो 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 20 और हाइट कितनी है 5, एंड प्लस दूसरे वाले में उतना हो जाएगा, बेस कितना है 20 और हाइट कितनी है 5। ठीक है, सॉल्व करो 10 50 यहाँ से 50 यहाँ से, तो डिस्टेंस हो गया इसका 100 meter। नाउ बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालो। आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये जो एरिया होगा 1/2 20 × 5 ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया हम माइनस करेंगे, तो 50 - 50 करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अच्छा ठीक है।